अभी तक लोन सिर्फ आपने लिया होगा, फिर वो चाहे बैंक से हो या किसी स्मॉल फाइनेंस कंपनी से। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोन दे भी सकते हो, और वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये चीज क्या है और कैसे काम करती है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्ट। आपने कभी ब्याज पर पैसा लिया है या दिया है जहां पर बैंक का कोई रोल नहीं होता, मतलब उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है? यहां पर ब्याज पर पैसे देने वाला डिसाइड करता है उसका टेन्योर, उसकी कंडीशंस, ये सब उसी के मुताबिक होती है। ब्याज पर जो लोग पैसा लगाते हैं या लेते हैं उनको इस बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये तो हो गया एक तरीके से इलीगल काम या गैर कानूनी टाइप का, लेकिन इसी काम को आप लीगल तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? लाइसेंस लेके। बिल्कुल सही सुना आपने, इस चीज के लिए भी लाइसेंस होता है, और उस लाइसेंस को कहते हैं साहूकारी लाइसेंस। अब ये लाइसेंस कैसे मिलता है, क्या प्रक्रिया है इसकी, लाइसेंस लेने के बाद पैसा किसको देना है, किसको नहीं देना है, जिनको लोन दे रहे हो उनसे क्या लेना है, क्या चीज नहीं लेनी है, ये सब जानकारी इसी वीडियो में अब आगे बारी बारी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास छोटी पूंजी भी है ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस पूंजी को कम ही मानना पड़ेगा इस काम के लिए, और ये काम शुरू करके आप इस पूंजी से आराम से 30,000 से 40,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि ब्याज पर आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। वैसे तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 11 के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि आप बिना लाइसेंस के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है। जैसे कि आप पर्टिकुलर कुछ लोगों तक ही अपने पैसे को ब्याज पर दे सकते हैं, और वो 2-4 आदमी, मतलब कि दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, तो ऐसे में आपको इन लोगों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है बिजनेस एज अ करियर, इसको लेके चलना है, तो इस केस में आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर आप लाइसेंस लेते हो तो जो ब्याज का परसेंटेज होगा उसकी क्या सीमा रहेगी? तो उसकी कोई तय सीमा नहीं है, आप अपने मन मुताबिक वो ब्याज सेट कर सकते हैं। लेकिन ये ब्याज उतना ज्यादा भी नहीं लेना है जो RBI की गाइडलाइन के भी ऊपर चला जाए। हालांकि RBI का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको किसी से भी नाजायज ब्याज नहीं लेना है। आप अगर थोड़ा बहुत इस बारे में जानते होंगे, ब्याज पर कभी पैसा लिया या दिया होगा, तो आपको पता होगा कि इस तरीके के ब्याज में 5 से 10% के बीच में ब्याज पर पैसा दिया जाता है, और ये ब्याज मंथली है, सालाना नहीं है, महीने का 5 से 10%। सालाना जोड़ेंगे तो 60% से 120% बैठता है, लेकिन इस ब्याज दर में किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि साहूकारी लाइसेंस होता ही इमरजेंसी के वक्त पैसा देने के लिए है। अब जिसको कोई इमरजेंसी होगी और उस वक्त उसे पैसा मिल जाए, तो ये जो ब्याज की कॉस्टिंग आती है ये उसी चीज की है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी, बिल्कुल खून भी मत चूस लेना, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये सब जरूरत के हिसाब से होता है। आप किसी को ज्यादा टेन्योर के लिए अगर पैसे दे रहे हो तो उसको कम परसेंटेज पे भी ऑफर कर सकते हो, 2%, 3% पे भी लोग ब्याज पे पैसा देते हैं। 2%, 3% भी महीने का आएगा तो वो कम नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि साहूकारी लाइसेंस मिलने के बाद आपको पैसा किसको नहीं देना है। पहले नंबर पर आता है कि कोई भी अगर इलीगल काम करता हो या उस चीज से जुड़ा हो, जैसे शराब का काम। एक होता है लीगल शराब का, एक होता है इलीगल शराब का। जो लोग 2 नंबर की शराब का या इलीगल शराब का काम करते हैं, उन लोगों को भी आपको पैसा नहीं देना है। और यहाँ सिर्फ शराब से मतलब नहीं है, मतलब स्मैक, गांजा, किसी भी तरीके का इलीगल जो काम करता है उन सबके लिए है, क्योंकि ये सब अवैध काम में इन्वॉल्व है। और अगर ऐसे में आप इनको फाइनेंस करते हैं और कल को कोई कार्यवाही हो जाती है इनके ऊपर और आपने उनको फाइनेंस किया है, तो ये चीज किसी हालत में छुपी नहीं रह सकती। तो भाई पता लगते ही सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपका लाइसेंस रद्द होगा, आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी और साथ में जेल अलग से। दूसरा, मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं उनको भी आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि अगर कल को वो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आपने कितने ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बना रखे हो, किसी पेपर पे साइन करवा रखा हो, अगर सामने वाली पार्टी ने डॉक्टर से ये लिखवा लिया, सर्टिफिकेट बनवा लिया कि वो बंदा मानसिक रूप से बीमार है, तो आप कितना जोर लगा लो आपके पैसे नहीं मिलेंगे वापस। तीसरा, जो लोग नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को, इनके साथ भी सेम चीज है। आप इनको चाहे कितना भी पैसा दो, ये जीरो माना जाएगा। आप किसी भी कोर्ट में केस करोगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को जब सरकार ही किसी तरीके का लोन नहीं दे सकती, तो आप दोगे तो फंसोगे। चौथा है कि नशेड़ियों को, जो किसी भी प्रकार का नशा करते हों, उनको पैसे नहीं देने, क्योंकि वो कल को किसी भी तरीके का एलिगेशन आप पर लगा सकते हैं कि आपने उनसे नशे की हालत में ये पेपर साइन करा लिए, या फिर इतना अमाउंट नहीं दिया था जितना अमाउंट ये अभी क्लेम कर रहे हैं, या फिर XYZ कुछ भी सिनेरियो बना के वो आपका पैसा हड़प सकते हैं। ये तो बात थी कि किसको नहीं देना है, लेकिन अब देना किसको है ये तो इम्पोर्टेंट है, ये जानो। तो जो समाज में नॉर्मल व्यक्ति है उनको, जैसे किसी को बिजनेस करना है, दुकान करनी है, अपने बच्चों की शादी के लिए ले रहा है, कोई अपना घर बनाने के लिए ले रहा है, या फिर किसी अन्य परिस्थिति के लिए ले रहा हो, तो ये सब जो लोग हैं, ये आपको किसी भी सोसाइटी में 80-85% तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे। विवादित जो लोग होते हैं वो 10-15% ही पाए जाते हैं, लेकिन ये पाए सब जगह जाते हैं। अब इनको लोन तो दे देंगे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए क्या रखेंगे? सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले नंबर पर रखना है आपको गोल्ड। आप जितना अमाउंट दे रहे हैं उतने अमाउंट का आप गोल्ड उनसे ले सकते हैं। उस गोल्ड के एवज में आप या तो उनको 100% पैसे दे दीजिए, या 95%, 90%, जो भी आपके बीच में एक सेटलमेंट होती है। दूसरा, आप रखवा सकते हैं ब्लैंक चेक।
अब कई लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि ब्लैंक चेक से क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन ब्लैंक चेक एक इतनी पावरफुल चीज है जिसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसको ढंग से समझाने के लिए। उसके बाद आप ब्लैंक चेक के लिए दीवाने हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि दूसरा ऑप्शन आपका ब्लैंक चेक है। आप ब्लैंक चेक में बिना डेट डलवाए उसको ले सकते हैं, या फिर अगर सामने वाला बंदा ब्लैंक चेक नहीं दे रहा है तो उसमें अमाउंट भरवा लो लेकिन डेट मत भरवाना। और अगर वो बंदा पैसा देने में आनाकानी करता है तो एक तो लाइसेंस है आपके पास साहूकारी, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, आप इस चीज को क्लेम भी कर सकते हैं और वो पैसे जरूर देगा आपके। और जिस बंदे का ब्लैंक चेक आपके पास है अगर वो इस चीज को समझता है तो वो ब्याज भी देगा और डबल पैसे भी दे जाएगा, क्योंकि लाइसेंस वाले का काम बिल्कुल जेन्युइन और लीगल होता है। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम पूंजी कितनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आप 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस पूंजी में आपको ज्यादा मजा तो नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत इससे कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो उसी हिसाब से आप मुनाफा भी ज्यादा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सब आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है, आपका अच्छा स्वभाव रहेगा। और लोगों को भी जिनको लोन की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती रहती है तो वो भी ये चाहते हैं कि टाइमली आपको ब्याज दे दें, आपका कैपिटल वापस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उनको जरूरत हो तो आपसे आसानी से उनको लोन मिल जाए। तो इस काम में एक व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर इस बीच में कोई विवादी इंसान आपसे टकरा भी जाता है तो आपके पास लाइसेंस है, डरने की तो उसमें भी कोई बात नहीं है, आप किसी भी हालात में उससे ऊपर ही रहोगे। अब जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लाइसेंस कैसे बनाना है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो भाई डॉक्यूमेंट्स में तो आपका लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट, और कुछ स्टेट्स में 2 साल की ITR मांगते हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं मांगते, ये वेरी करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो गए, अब आपको अप्लाई करना है जिला कोर्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वहां से आपको ये ऑर्डर कर दिया जाएगा जिसमें प्रभारी अधिकारी और सहायक आयुक्त के सिग्नेचर होते हैं और वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं आपके लिए। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है और हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। अब रिन्यू कराने में कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन ये पैसे स्टेट टू स्टेट फिर से वेरी करते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3,000 से 5,000 के बीच में ये रिन्यू हो जाएगा। जिस समय आप ये लाइसेंस बनवा रहे हो तो उस समय आप किसी एडवोकेट को या CA को पकड़े, वो आपसे 5-7 हज़ार रुपए लेंगे ये काम को कराने के लिए, क्योंकि आप अगर खुद जाएंगे करवाने तो टाइम बीतता जाएगा और आप करवा भी नहीं पाएंगे। तो ये एक जेन्युइन सलाह है कि आप किसी CA को पकड़ें या एडवोकेट को पकड़ें, उनको उनकी फीस दें, वो आपका काम इजीली करा देंगे। एक बार आपका काम ये शुरू हो जाता है और आप काम करते रहते हैं और साल दर साल करते हुए आप इसमें काफी पुराने हो जाते हैं, तो कई बार बैंक से टाइप भी हो जाता है कि बैंक आपको अपनी दरों पर लोन देगा और आप उस लोन को अपनी दरों पर आगे बांट सकते हैं। लेकिन ये कुछ सीनियर साहूकारी लाइसेंस वालों के साथ होता है, हो सकता है कि आप भी इस काम को सही से करें और जब लंबा समय हो जाए तो ये चीज आपके साथ भी हो। और ये लाइसेंस आपको एक पूरे जिले के लिए मिलता है, मतलब जिले के अंदर आप कहीं भी काम कर सकते हैं लेकिन उस जिले के बाहर आप काम नहीं कर सकते। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके का काम भी लीगली होता है, बाकियों को शायद हो सकता है पहले ही पता हो। आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लगे हाथ लाइक करके शेयर भी कर देना ताकि आपके साथ साथ कुछ और लोग भी अवेयर हो पाए। मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।